भिवानी में भारत की प्रथम महिला अध्यापिका सावित्री बाई फूले का जन्मदिन सैनिक कल्याण परिषद के तत्वाधान में नेहरू पार्क के सामने बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अध्यापिका सावित्री बाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में नायगांव नामक छोटे से गांव में हुआ था। अब इस अवसर पर भिवानी परिषद के प्रधान जगदीप सैनी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सैनिक कल्याण परिषद भिवानी द्वारा माता सावित्री बाई फूले की नेहरू पार्क के सामने सैनी धर्मशाला में जयंती मनाई गई। महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी माता सावित्री बाई एक भारतवर्ष की पहली ऐसी शिक्षिका थी जिन्होंने शिक्षा में लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। माता सावित्री बाई जब स्कूल में जाती थी तो कुछ लोग इनकी शिक्षा पर नफरत करते थे और उनके कपड़ों पर गंदी गार मिट्टी डाल देते थे। आखिरकार ये अपनी एक साड़ी थैले में डाल के ले जाती थी और स्कूल में जाके बदल के पढ़ाई करती थी। इन्होंने कभी भी मुड़ के नहीं देखा लेकिन अपनी पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान दिया। आज उनका नाम सारे भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध है। हम भिवानी के सैनी कल्याण परिषद के सभी लोग सरकार से निवेदन करते हैं कि माता सावित्री बाई या महात्मा ज्योतिबा फूले की भिवानी के एजुकेशन बोर्ड में एक स्टैचू लगाया जाए ताकि इनका भी नाम रहे और इनके नाम से एक दिन की कोई छुट्टी भी डिक्लेयर की जाए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।